ए ने कॉल किया बी को। हेलो 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 हेलो। यहाँ पर ए कर रहा है कॉल बी को, लेकिन कम्युनिकेशन का फ्लो जो है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब है। ए ने कॉल किया, नेटवर्क इश्यू है और बी तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच ही नहीं पा रही है। तो यहाँ पर आज हम समझेंगे कम्युनिकेशन और इससे रिलेटेड बैरियर्स और अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हे फ्रेंड्स, मैं सीएस गौरव सेठ फ्रॉम शेपर्स एजुकेशन और आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो ये देखिए, आपके सामने नोट्स आ चुके हैं, बीए के सेम टू के एफवाई के नोट्स। तो आज का टॉपिक हम समझते हैं कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो सबसे पहला सिंपल सी हमें डेफिनेशन दे रखी है, व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पर भी अगर एक पर्सन जो है वो अपने आइडियाज और इंफॉर्मेशन जो है वो किसी दूसरे पर्सन से या ग्रुप से एक्सचेंज करता है तो उसे बोला जाता है कम्युनिकेशन। अब हम देखते हैं अलग अलग टाइप्स के कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। तो सबसे पहला, ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ रिसीवर। रिसीवर जो है जिसको इंफॉर्मेशन मिल रही है वो कहाँ पर है, तो इसके हिसाब से इट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ओके, तो इंटरनल से आपको पता ही चल गया होगा, जब कोई कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, जैसे कि स्टाफ और स्टाफ के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, डिपार्टमेंटल वाइज अगर जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो होता है इंटरनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइडर, कम्युनिकेशन विद द आउटसाइडर। तो जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं हमारे क्लाइंट से या किसी रॉ मटेरियल सप्लायर से या ऐसे किसी भी आउटसाइडर से अगर हम कम्युनिकेट करते हैं तो दैट इज टर्म्ड एज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अब यहां पर देखिए, एक्सटर्नल बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, जो इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो है वो फॉर्मल भी हो सकते हैं, फॉर्मल लेवल पर और इनफॉर्मल लेवल पर भी होते हैं। ठीक है, तो ये रहा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्लासिफिकेशन। तो अब हम समझते हैं, आपको भी पता है अगर मैं सिर्फ सिंपल सा फॉर्मल की बात करूं तो आपने सिंपल सा एग्जाम्पल लो, आप बोलते हो फॉर्मल ड्रेस। ठीक है, फॉर्मल ड्रेस का मतलब क्या हो गया, एकदम से अच्छा जो भी फॉर्मली हमें रेडी होना है, टाई लगाना है, सूट पहनना है एकदम से, तो वो चीज होती है एक सिंपल सा फॉर्मल। वैसे ही अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, फॉर्मल कम्युनिकेशन की, तो जहां पर प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड है, जहां पर हमें उसी हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलना पड़ता है, तो वो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। देखो आपको क्या लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज थ्रू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल चैनल, जो फिक्स्ड रूट जो है, फिक्स रूल जो है, उसे हम बोलेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन। नाउ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो इनफॉर्मल का मतलब होता है फ्रेंडली वे में कम्युनिकेट करना, अपोजिट ऑफ फॉर्मल। देखिए, फिक्स रूल्स एंड सिस्टम कैन नॉट प्रिवेंट पीपल फ्रॉम टॉकिंग। तो अब हमारे कलीग्स हैं, हम कलीग्स के साथ बातें भी करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर भी करते हैं, तो यहाँ पर हम इनफॉर्मली फ्रेंडली वे में उनसे इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज करते हैं, तो ये जो है वो आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। दस कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए कम्युनिकेशन जो है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होता है अनऑफिशियल लाइन से, और जो अनऑफिशियल लाइन या फ्रेंडली मैनर में होता है विदाउट एनी फिक्स रूल, उसे हम बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नाउ द नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया ऑफ प्रेजेंटेशन, मीन्स हम इंफॉर्मेशन को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, रिटर्न के वे में कर रहे हैं यानी कि लेटर्स के थ्रू, या वो ऐसे दूसरे वे के थ्रू, या ओरली या वर्बली कर रहे हैं या नॉन वर्बल कर रहे हैं। तो किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन में डिवाइडेड है रिटर्न, ओरल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर रिटर्न एकदम इजी है, जब हम अपने आइडियाज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स जो है वो रिटर्न वे में एक्सचेंज करते हैं, जो मेरा सीवी जो है वो मैं कंपनी को रिटर्न में फॉरवर्ड करूंगा ईमेल के थ्रू या अदर चैनल्स के थ्रू, तो ये जो कम्युनिकेशन होता है इसे हम बोलते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन। नाउ द नेक्स्ट इज ओरल वर्बल कम्युनिकेशन, जहां पर हम ओरली फेस टू फेस अगर बातें कर रहे हैं या टेलीफोनिक इंटरव्यू हो रहा है या टेलीफोन के थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं ओरली, तो वो होता है ओरल, या इसको हम वर्बल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। तो इन शॉर्ट,
जो हम फेस टू ओरली फेस टू फेस बात करके या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करके जो भी ओरल के वे में कम्युनिकेट करते हैं वो हो गया ओरल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बच्चों को इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, व्हाट इज वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो वर्बल मीन्स ओरली एंड नॉन वर्बल मीन्स जैसे कि एक्शन के थ्रू किसी को समझाना, तो वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कोई भी अपने वर्ड्स जो है वो यूज नहीं करके और एक्शन को यूज करके, अपने बॉडी एक्सप्रेशन को यूज करके, फेशियल एक्सप्रेशन को यूज करके बताना, तो वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे कि मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ एक पुलिस ऑफिसर की, जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर जो है वो सबको नहीं बोलेगा रुको, वो एक्शन के थ्रू बताता है कि हमें स्टॉप होना है, इस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में। तो वो एक्शन के थ्रू मास पीपल को कम्युनिकेट कर रहा है, तो ऐसे कम्युनिकेशन को बोला जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नाउ द थर्ड क्लासिफिकेशन इज कहां से कहां इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है, मींस टॉप लेवल से बॉटम लेवल पे फ्लो हो रही है या बॉटम लेवल से अपर लेवल या टॉप लेवल पर फ्लो हो रही है। तो उसके बेसिस पर अगर हम बात करें तो वो होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब हम देखते हैं सबसे पहला वर्टिकल कम्युनिकेशन की बात। तो जब इंफॉर्मेशन जो है वो सुपीरियर से, जो टॉप लेवल जो है ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट में, वहां से इंफॉर्मेशन अगर सब ऑर्डिनेट के पास जा रही है, उसके अंडर जो काम कर रहे हैं, तो वो होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन, देन इट इज नोन एज वर्टिकल कम्युनिकेशन। अब वर्टिकल कम्युनिकेशन भी दो हो सकते हैं, या तो टॉप से बॉटम, ठीक है, देखो यहां पर हो गया, ठीक है, डाउनवर्ड, एंड दूसरा हो सकता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो देखते हैं अप डाउनवर्ड में क्या लिखा हुआ है। इट इज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम हायर अथॉरिटी टू लोअर अथॉरिटी। यहां पर जैसे मैंने आपको समझाया, बॉस की जो भी पॉलिसीज है, जो उन्होंने प्लान की उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो उसको ऑर्डर दे रहे हैं, तो ये चीज हो गई डाउनवर्ड फ्लो। एंड अपवर्ड फ्लो की बात करें तो जैसे ही सब ऑर्डिनेट ने उसकी रिपोर्टिंग कर दी, तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो ऊपर तक, टॉप लेवल मैनेजमेंट तक जाएगी। तो ये जो फ्लो है इंफॉर्मेशन का अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है अपवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल में जब एम्प्लॉयज के बीच में, ठीक है, ये एम्प्लॉय इससे बात कर रहा है, ये एम्प्लॉय इससे बात कर रहा है, ये इससे बात कर रहा है, ये इससे बात कर रहा है, या कोई भी हॉरिजॉन्टली जब एम्प्लॉयज के बीच में कम्युनिकेशन होता है हॉरिजॉन्टली, तो द मीटिंग ऑफ जनरल मैनेजर ऑफ वेरियस यूनिट्स ऑफ द कंपनी, जब भी मीटिंग होती है तो सब आपस में मिलकर डिस्कशन करते हैं, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, ठीक है। तो जो भी जर्नल मीटिंग में डिस्कशन या कुछ भी हॉरिजॉन्टली इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है या एक्सप्रेस हो रही है, तो वो जो है आता है हॉरिजॉन्टली कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स मैनेजर्स, ये सब जो है वो एग्जाम्पल है हॉरिजॉन्टली कम्युनिकेशन के। तो आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन जो है वो एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। तो सबसे पहला देखो, हमने देखा तीन पार्ट्स है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ रिसीवर, नेक्स्ट हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन, एंड नेक्स्ट हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो। अब फिर हमने क्या देखा यहाँ पर कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ रिसीवर में इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, और इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन दोनों हो सकते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फिर हमने नेक्स्ट देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ हम इंफॉर्मेशन को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो रिटन, ओरल, वर्बल, और एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन और एक्शन के थ्रू, तो वो हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर हमने देखा इंफॉर्मेशन जिस तरीके से फ्लो हो रही है, तो एक हो गया वर्टिकल, और वर्टिकल के हम अंदर हमने देखा डाउनवर्ड और अपवर्ड। जब सब सुपीरियर से इंफॉर्मेशन सबऑर्डिनेट तक जाती है, तो वो हो गया हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, और जब सब ऑर्डिनेट से सुपीरियर के पास इंफॉर्मेशन जाती है, तो वो हो गया हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन। और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में जब आपस में हम बात करते हैं, तो वो हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। आई होप आपको ये टाइप्स और क्लासिफिकेशन कम्युनिकेशन के क्लियर हो गए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर्स मीन्स क्या क्या लिमिटेशन है जब हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उसके बीच में क्या क्या बैरियर्स या रुकावटें आती है।
जैसे कि मैं आपको सिंपल एग्जांपल लू, अगर कोई पर्सन ए है और बी है, पर्सन ए ने फोन किया है पर्सन बी को और फोन करते टाइम नेटवर्क का बहुत इश्यू आ रहा है, तो ए जो है वो अपना मैसेज जो है वो बी को नहीं दे पाएगा बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इशू, बात जो है वो हो ही नहीं पा रही है और उसका एम जो है कि इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है तो वो नहीं हो पा रहा है। तो ये जो होता है जहां पर नेटवर्क इश्यू आया और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं हो पाई तो उसे हम बोलेंगे बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला हम देखते हैं क्या क्या बैरियर्स है। तो सबसे पहला लैक ऑफ कॉमन लैंग्वेज मीन्स, अगर सपोज मान लो हमें इंटरनेशनल लेवल पर अगर कम्युनिकेशन करना है, ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, एक इंग्लिश स्पीकिंग बॉस जो है और एक तमिल स्पीकिंग वर्कर के बारे में यहाँ पर बात कर रखी है, तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे अगर दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज जो है वो नहीं पता है। इधर से तो वो तमिल बोल रहा है और इधर से वो इंग्लिश बोल रहा है। अगर दोनों को एक दूसरे की इंफॉर्मेशन जो है, जो लैंग्वेज जो है वो नहीं पता है, तो इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज हो ही नहीं पाएगी बिकॉज उसे समझ ही नहीं पाए। तो इसीलिए अगर हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाना है तो दोनों को एक पर्टिकुलर लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए। जैसे कि सपोज तमिल वर्कर जो है वो इंग्लिश सीखेगा और दोनों जो है आपस में जो है कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो एक लैंग्वेज बैरियर ये है कि जहां पर दोनों की जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा है और जो इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, अगर दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं पता है तो ये एक बैरियर जो है वो बन सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रॉन्ग चॉइस ऑफ मीडियम और सिलेक्शन ऑफ इम्प्रॉपर मीडियम मीन्स, हम किस तरीके से कौन से सोर्स से हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रूरल एरिया में या विलेज एरिया में जा रहा हूँ जहां पर लोग जो है वो पर्टिकुलरली इलिटरेट होते हैं, एजुकेशन नहीं होती है, अब वहां पर मैं इंफॉर्मेशन जो है वो उन्हें रिटन फॉर्म में एक्सचेंज कर रहा हूँ, बट बिकॉज दे आर इलिटरेट उन्हें पढ़ना लिखना ही नहीं आता है और मैं उन्हें रिटन के वे में बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये कम्युनिकेशन को एक्सचेंज करने का कोई मतलब नहीं है। तो हमें जब भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है तो एक प्रॉपर मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो करना पड़ेगा। जैसे कि मीटिंग्स हुई, जनरल मीटिंग, तो वहां पर हम पीपीटी के थ्रू जो है वो समझा सकते हैं, लेक्चर के फॉर्म में नहीं समझा सकते, इससे इजीली एक्सप्रेस होगा। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं जो कि मैंने आपको पहले भी दिया, ट्रैफिक पुलिस, वो सबको नहीं बोलेगा, बार बार ओरली कम्युनिकेट नहीं करेगा, यहां पर वो मीडियम क्या यूज करेगा, वो नॉन वर्बल या एक्शन के थ्रू स्टॉप, यहाँ इस डायरेक्शन से जाना है, इस डायरेक्शन से जाना है, तो इस तरीके से वो अगर वो यहाँ पर ओरल कम्युनिकेशन का यूज करता है तो कोई मतलब नहीं है, उसकी खुद की एनर्जी जो है वो वेस्ट होने वाली। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो ये देखिए आपको तीनों एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटली एक्सप्रेस मैसेज, एकदम सिंपल है, हमें मैसेज जो है वो एकदम अच्छे से एक्सप्रेस करके समझाना है कि मेरा जो मेन एम है कम्युनिकेशन का वो ये है, मैं आपको ये मैसेज जो है वो डिलीवर करना चाहता हूँ। अगर हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में ही केयरलेस रहे और हम बैडली एक्सप्रेस किया मैसेज को तो जो रिसीवर जो है वो मैसेज का मतलब ही समझ नहीं पाएगा, तो इसीलिए ये एक बैरियर जो है वो है। जैसे कि हम रॉन्ग वर्ड्स का यूज करते हैं, कभी कभी ऐसी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं जो कि दूसरे के लिए ऑकवर्ड हो, तो यहाँ पर जब भी हमें मैसेज को करना है कम्युनिकेट तो हमें एकदम अच्छे से उसको एक्सप्रेस करना है, तो बैडली एक्सप्रेस मैसेजेस जो है वो भी एक बैरियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो एकदम ईजी है जो कि आपको पता ही है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है, क्या होगा। तो जब मैं लेक्चर या कुछ भी डिलीवर कर रहा हूँ या बॉस कुछ भी बोल रहा है और वो डे ड्रीमिंग कर रहा है, वो कुछ भी सोच रहा है, तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अटेंशन जो है, जब हम ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मेरे कहने का या मेरे स्पीच का कोई मतलब नहीं है, कम्युनिकेशन का कोई मतलब। तो जब भी लैक ऑफ अटेंशन है, जब भी बॉस जो है एम्प्लॉय को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा है और वो ध्यान नहीं दे रहा है, तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का या कम्युनिकेशन का कोई भी मतलब नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनक्लेरिफाइड कम्युनिकेशन। तो हम कभी कभी जो है वो बहुत सारी बातों को अज्यूम कर लेते हैं और उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है और उस मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो भी एक बैरियर है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, सपोज
एक कस्टमर जो है उसने एक कंपनी के मैनेजर को इन्फॉर्म किया कि वो जो है उनकी कंपनी में आ रहा है ताकि कि वो बिजनेस डीलिंग कर सके एक पर्टिकुलर डे पर। अब यहां पर दोनों ने कुछ चीजें अज्यूम कर ली, एक तो कस्टमर ने और एक जो मैनेजर है उसने क्या अज्यूम किया। तो सबसे पहला कस्टमर की बात करते हैं, तो जब कम्युनिकेशन हुआ कि मैं आ रहा हूं, तो कस्टमर ने ये समझा कि कंपनी जो है वो उसे एयरपोर्ट जो है वो लेकर लेने आएगी और वो कंपनी जो है उसको कंपनी तक ले जाएगी। तो यहाँ पर एक कस्टमर ने अज्यूम कर लिया कि कंपनी जो है वो उसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करेगी और वेलकम करेगी। यहाँ पर मैनेजर ने क्या अज्यूम किया कि हो सकता है कि उसका कोई फैमिली पर्पस हो, पर्सनल पर्पस हो, इसलिए वो यहाँ पर आ रहा हो और वहां से वो यहाँ पर बिजनेस डीलिंग कंपनी में करने आ जाएगा। तो इसने तो बोल सोचा कि वो अपने आप आ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, और इसने सोचा कि कंपनी मुझे वेलकम करेगी। तो दोनों ने आपस में अपने अपने अजम्पशन लगा दिए और इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। तो ये एक बैरियर है, अनक्लेरिफाइड अजम्पशन, जो कि अजम्पशन ऐसे जो कि क्लियर नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लैक ऑफ ट्रस्ट। अगर कोई ऐसा पर्सन जिस पर लोगों को ट्रस्ट ही नहीं है और वो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहा है, तो सारी बातें उसकी झूठी लगेगी। तो एक्सचेंज जो है लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से क्या होता है, इंफॉर्मेशन का जो एम होता है कम्युनिकेशन का, वो पूरा नहीं हो पाता। अगर वन साइडेड कम्युनिकेशन है, लैक ऑफ ट्रस्ट है या कुछ भी है, तो कम्युनिकेशन ये भी एक बैरियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइम। तो हमें इंफॉर्मेशन जो है वो टाइमली मैनर में एक्सचेंज करनी पड़ती है। अगर ड्यू डेट आ गई है किसी भी, जैसे हमें एग्जाम देना है, एग्जाम जो है वो तुरंत जो है, अगर एग्जामिनेशन वाले जो है स्कूल वाले जो यूनिवर्सिटी वाले आपको कम्युनिकेट ना करे टाइम पर, 2 दिन बाद एग्जाम है और आपको 1 दिन पहले वो बता रहे हैं कि कल से एग्जाम है, तो अगर इंफॉर्मेशन जो है वो टाइमली मैनर में कम्युनिकेट नहीं हुई, तो हो सकता है कि कियोस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में हो जाए। तो टाइम जो है वो भी एक बैरियर है कम्युनिकेशन का। और देखिए, अ फोन कॉल टू अ मैनेजर एट मिडनाइट। मैं कभी भी किसी को भी फोन कर रहा हूं, मेरे बॉस को, मैनेजर को, तो हो सकता है कि हम कोई से भी टाइम पर फोन नहीं कर सकते। वी हैव टू बी वेरी फॉर्मल व्हाइल कम्युनिकेटिंग एंड ऑल्सो सी द टाइम जब हम कॉल कर रहे हैं। तो टाइम भी एक बैरियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉइस, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं अभी भी लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं और पीछे से बहुत ज्यादा नॉइज आ रही है, मेरे घर वालों की नॉइज आ रही है, तो इससे कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं किसी से फोन पर बात कर रहा हूँ और फोन पर नेटवर्क इशू है, तो हम कम्युनिकेशन जो है वो नहीं कर सकते, फोन में बहुत नॉइज आ रही है। तो इसीलिए नॉइज भी एक बैरियर है कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट देखते हैं ओवरलोडेड कम्युनिकेशन, मीन्स किसी पर्टिकुलर पर्सन को बहुत ज्यादा, आपको ये ए को बोलना है, आपको ये बी को बोलना है, आपको ये सी को बोलना है, डी को आपको रिपोर्टिंग करनी है, ई को आपको ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, तो एक एक पर्सन पर बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन का बोझ डाल दिया, तो हो सकता है कि वो इंफॉर्मेशन जो है वो भूल जाएगा किसे क्या कम्युनिकेट करना है। तो अगर किसी को ओवरलोड किया है कि आप सबको एक पर्टिकुलर को कि ओ आपको ये सारी इंफॉर्मेशन इतने सारे पर्सन को देनी है, अलग अलग इंफॉर्मेशन, तो ये भी एक बैरियर का काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फियर। फियर मींस मुझे कोई, मैंने कुछ अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा काम किया है जिससे कि अगर वो पता चले तो मुझे जॉब से निकाला जा सकता है, तो मुझे एक डर है कि मैं अगर ये इंफॉर्मेशन जो है अगर मेरे मैनेजर को बताऊंगा तो वो मुझे निकाल देगा। तो मेरे डर से मैंने क्या किया, जो वो इंफॉर्मेशन जो थी वो मैंने एक्सचेंज कर ही नहीं बिकॉज ऑफ द फियर। तो ये भी एक बैरियर है। देखो आपको यहाँ पर दे ही रखा है, द असिस्टेंट डू नॉट ऑलवेज कन्वे द ट्रू मैसेज। जो असिस्टेंट होते हैं उनको कहीं ना कहीं डर होता है, इसीलिए वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। क्यों? बिकॉज उन्हें डर है कि कहीं ना कहीं अगर मैं पूरी ट्रू इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा तो इससे मुझे नुकसान हो सकता है, डिसप्लीज जो है मतलब सुपीरियर जो है वो नाखुश हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फेलियर इन गिविंग द इंफॉर्मेशन। सीधी सी बात है, मुझे अगर किसी ने बोला है कि आपको पर्सन बी को जो है इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज करनी है, लेकिन मैं उसको भूल गया, टाइम टाइम पे मैंने उसको कम्युनिकेट नहीं किया, तो हम जो है वो भूल जाते हैं इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। तो ये सब जो है वो इंक्लूड है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में। आई होप आपको सारे एग्जाम्पल के थ्रू जो भी बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो अच्छे से समझ आ गए।
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनिकेशन नेटवर्क, मीन्स किस तरीके से इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है। जैसे कि हमने समझा था अपवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। जहां पर अपवर्ड में क्या हो रहा था, जो सब ऑर्डिनेट है उससे इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही थी टॉप लेवल मैनेजमेंट में, और जब टॉप लेवल मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन जो है वो बॉटम लेवल पर एक्सचेंज होती है, तो ये एक फ्लो या नेटवर्क बता रहा है। तो यहाँ पर हम अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशन नेटवर्क या चैनल के बारे में समझेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ किस तरीके से सेंडर और रिसीवर के बीच में किस तरीके से कम्युनिकेशन जो है वो एक्सचेंज होता है, तो वो हम समझेंगे। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में आता ही है VNSGU की। तो सबसे पहला हम देखते हैं, जो कि मैं आपको डायग्राम के थ्रू ही समझाने वाला हूँ, सर्कुलर नेटवर्क। सर्कुलर नेटवर्क में ए जो है वो बी को बोलेगा, बी जो है वो सी को, सी जो है वो डी को, और डी जो है वो ई को, ठीक है। या देखो, ईच पर्सन इज एबल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ए बी को कर सकता है और बी ए को कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन बी जो है वो डायरेक्टली ई को कम्युनिकेट नहीं करेगा। उसके आजू बाजू से, जब हम जैसे मीटिंग हो रही है, मीटिंग में अगर हम आजू बाजू वालों से ही बात कर पा रहे हैं, तो वो जो कम्युनिकेशन जो है वो होता है सर्कुलर नेटवर्क। जब हम हमारे आजू बाजू वालों से ही एक्सचेंज कर सकते हैं कम्युनिकेशन, तो दैट इज सर्कुलर नेटवर्क। नेक्स्ट हम देखते हैं चेन। तो चेन नेटवर्क मीन्स जहां पर चेन, जैसे यही चीज दे रखी है, जब इंफॉर्मेशन यहां से यहां फॉरवर्ड होगी, यहां से यहां, सी से डी और डी से ई, कोई भी आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, बस एक सिंपल सा चेन नेटवर्क है जहां पर इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है। तो देखिए, बिटवीन सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट, ठीक है, ये अपर लेवल है, उसका सबऑर्डिनेट ये है, इसके लिए ये सबऑर्डिनेट है। तो जब सुपीरियर से सबऑर्डिनेट में इंफॉर्मेशन जो है वो चेन के थ्रू एक्सचेंज हो रही है, ए बी को, बी सी को, सी डी को और डी जो है वो ई को, तो इसे बोला जाता है चेन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हील कम्युनिकेशन। तो व्हील कम्युनिकेशन जो है उसे हम सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। जैसे कि कोई एक बंदा ही सबसे इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज करेगा, ए जो है वो बी से कम्युनिकेट करेगा, ए जो है वो ई से, और ए जो है वो डी से, और ए जो है वो सी से, ठीक है। जब एक पर्टिकुलर सेंट्रलाइज पर्सन जो है वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करता है, ये आपस में कम्युनिकेट जो है वो नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे नेटवर्क को बोला जाता है व्हील नेटवर्क। तो देखिए, एक पर्टिकुलर लीडर और मैनेजर जो है वो सेंटर में है और वो ही इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा है अपने सब ऑर्डिनेट्स को, तो वो होता है व्हील नेटवर्क। कोई भी आपस में कम्युनिकेट जो है वो नहीं कर पाएगा, ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू एकदम अच्छे से समझना है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, फ्री फ्लो और ऑल चैनल। तो इसमें जब हम कभी भी किसी से भी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, जब हम हमारे कॉलीग से कभी भी कुछ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, किसी से भी, डी जो है वो किसी से भी ए, सी जो है वो ई से, बी जो है वो डी से, तो कोई भी जब किसी से भी कम्युनिकेट करता है, तो वो होता है, हम फ्रीली आराम से इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं, तो वो होता है फ्री फ्लो कम्युनिकेशन, या उसे बोलते हैं ऑल चैनल कम्युनिकेशन। अब हमें एक और टॉपिक पूछते हैं एग्जाम में, दैट इज डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन और रिपोर्टिंग। तो सबसे पहले हम समझते हैं कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। जब हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, कोई एक पर्सन जो है वो और एक उसको रिसीवर जो है वो इंफॉर्मेशन को गेन करता है, तो वो होता है कम्युनिकेशन। लेकिन रिपोर्टिंग की अगर हम बात करें, तो यहां पर मुझे एक रिपोर्ट बनानी है और उस रिपोर्ट को, इस इंफॉर्मेशन को सिर्फ एक्सचेंज करना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये टू वे प्रोसेस है जहां पर सेंडर और रिसीवर, टू वे प्रोसेसर है, दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं सेंडर रिसीवर। लेकिन ये वन वे प्रोसेस है, एक सब ऑर्डिनेट ने रिपोर्ट बनाई है और वो डायरेक्टली अपर लेवल या टॉप लेवल को अपनी रिपोर्टिंग जो है वो दे देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, पता ही है कम्युनिकेशन, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो रिपोर्टिंग जो है वो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंपैरेटिवली कम्युनिकेशन से लेस इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन के अंदर सेंटेंसेस या कुछ भी अपने एक्सप्रेशन वो सब होते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग के अंदर, जैसे मैं प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, एक रिपोर्ट बना रहा हूँ, उसके अंदर टेबल्स होंगे, फ्लो चार्ट्स होंगे, अलग अलग स्केड्यूल्स होंगे, तो यहाँ पर अलग अलग चार्ट ग्राफ जो है वो प्रेजेंट किए जाते हैं एक रिटर्न या रिपोर्ट के फॉर्म में। यहाँ पर सेंटेंसेस जो कि मैं रिटर्न
वर्बली या नॉन वर्बल के थ्रू एक्सचेंज कर सकता हूं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, जो कि अभी मैंने बात करी आपको, ओरल, वर्बल और विजुअल फॉर्म में भी हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में, रिपोर्टिंग जो है वो ओनली डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होती है। नेक्स्ट, इसके अंदर सब कुछ कवर है, वाइडर स्कोप है इसका, क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कैसे मैसेज जो है वो क्या सोर्स है, कैसे कौन से नेटवर्क से ट्रांसमिशन करना है, कैसे इंटरप्रिटेशन करना है, कैसे फॉलो अप लेना है, तो ये सब कम्युनिकेशन में इंक्लूडेड है। लेकिन रिपोर्टिंग जो है उसके अंदर प्रिपेयरिंग एंड रिसीविंग रिपोर्ट ही आता है, थोड़ा नैरो स्कोप है, और डिस्कशन और डिसीजन जो है वो लिखे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कम्युनिकेशन जो है उसके अंदर रिपोर्टिंग भी आती है, लेकिन रिपोर्टिंग में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है तो रिपोर्टिंग जो है दिस इज ओनली लिमिटेड टू रिपोर्टिंग, इसके अंदर कम्युनिकेशन नहीं आती, हम सिर्फ क्या करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे और वो दे देंगे। नेक्स्ट देखते हैं कम्युनिकेशन जो है हमेशा होना ही चाहिए आपस में, ताकि के मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, जो भी डिसीजन या पॉलिसी ले जा रही है तो कंटिन्यूसली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज होना चाहिए, लेकिन रिपोर्टिंग जो है जब हमें जरूरत हो तब होती है। जैसे कि द फंक्शन ऑफ रिपोर्टिंग स्टार्ट्स व्हेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, एक बार मुझे पूरे मेरे साल का डेटा मिल चुका है, बैलेंस शीट का डेटा हो गया, फाइनेंशियल जो भी रिपोर्टिंग हुई है, पीएनएल का डेटा मिल गया, तो जैसे ही डेटा चालू हुआ, अकाउंटिंग डेटा जो है वो कंप्लीट हुआ, वो कंप्लीट होने के बाद हम रिपोर्टिंग जो है वो बनाना चालू करते हैं। तो आज का टॉपिक जो था वो प्योरली डेडिकेटेड था कम्युनिकेशन से, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से, हमने देखा बैरियर्स क्या क्या थे कम्युनिकेशन के, क्या क्या नेटवर्क थे कम्युनिकेशन के, और डिफरेंस समझा हमने कम्युनिकेशन और रिपोर्टिंग के बीच में। ये जो है एग्जाम में BNEGO में से इसमें से कोई भी क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी आता ही है, तो हमें इस लेक्चर को अच्छे से समझना है और याद करना है, आपके मार्क्स जो है वो पक्के हैं। और अगर आपको कोई भी स्टडी से रिलेटेड, एकेडमिक्स लेवल हो गया, कॉलेज लेवल हो गया, उसके नोट्स चाहिए, तो आप हमारे शेपर्स के टेलीग्राम चैनल को, दैट इज शेपर्स एजुकेशन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं।